नरेशन नाउन है, नरेशन किससे बना, नैरेट से बना। नैरेट, नैरेट क्या है, वर्ब है। नैरेट मीन्स होता है वर्णन करना या बताना। अब डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, उसने मुझसे कहा, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, तो वो जैसे बोला उसी तरह सेम टू सेम लिख दिया या फिर बोल दिए, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब देखे इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में न लिखकर उसके अर्थ को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे इसी को, इसी सेंटेंस को हम अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, उसने मुझे कहा कि वह एक छात्र है, तो यहाँ पर मैं का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर ही का यानी वह का। तो ये सेंटेंस क्या किए, अपने शब्दों में व्यक्त किए हैं, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जो जैसा स्पीकर बोला था यानी वक्ता बोला था बिल्कुल उसी को रिपीट कर दिया सेम टू सेम, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में। बढ़ते आगे, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाहर जो सेंटेंस है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को, ये जो वर्ब है सेड भी टू, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो ये जो एम वर्ब है, तो एम क्या हो गया, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, या फिर इसको कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखें रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है तो इसमें कोई भी सेंटेंस रह सकता है। सेंटेंस जो पांच प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, उसमें से कुछ भी रह सकता है, या फिर एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रह सकते हैं। तो सबको बनाने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, तो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एसर्टिव सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव सेंटेंस हो और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस में दिया हुआ, ये दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस V5 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये डायरेक्ट स्पीच में है, हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कौन सा टेंस है, शैल और विल लगा हुआ, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस डायरेक्ट स्पीच में भी रहेगा और इनडायरेक्ट में भी रहेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर किसको ऐसे कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ही विल, ये भी रहा है ही विल से टू हर, आई शैल गो देयर, अगर ऐसे भी रहता तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका रूल्स देखते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका रूल्स कैसे बनाएंगे। देखो पहले रूल क्या, अगर सेस टू रहा तो टेंस में बदल देंगे, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, ये V5 है तो ये भी V5, से टू रहे तो टेल में बदल देंगे, ये V1 है तो ये भी V1, यहाँ पर अगर खाली सेज रहे और सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे, मतलब किससे बोल रहे वो नहीं रहे, तो सेज का सेज ही छोड़ देंगे, और से के बाद ये ऑब्जेक्ट ना रहे यानी किससे बोल रहे तो से ही छोड़ देंगे। और दूसरा रूल है क्या, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद डैट लगा देंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, तो कैसे चेंज करेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब क्या है, कौन बोल रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब कौन सुन रहा है। अब देखिये ये काम है, ये बदलने में, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये पोसेसिव है। आई कमी ऑब्जेक्ट और पोसेसिव मीन्स होता है जिससे अधिकार का बोध हो,
तो पोसेसिव दो प्रकार का होता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। कि मैं से क्या मेरा, और ये भी मेरा, लेकिन प्रोनाउन है तो इसके बाद कुछ कुछ नाउन नहीं आएगा, लेकिन ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आएगा। जैसे माय बुक, दिस इज माय बुक, टीसी को लिख सकते हैं दिस बुक इज माइन, तो दोनों का मतलब है यह मेरा या मेरी किताब है। इसी तरह बाकी है, और यहाँ पर प्रोनाउन नहीं होता, इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अब देखिए इसको बदलेंगे कैसे, सी है तो सी का सी, ये सेस टू है, सेस टू को क्या कर देंगे बदल के, सेस टू टेल्स, टेल्स टी डलेगा टेल्स, मी का मी, और ये एसर्टिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जो बचा ये ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन। तो आई क्या, ये वर्ब के पहले है तो आई क्या, आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हटाकर इसी बॉक्स में से देंगे, यानी जो आई है आई को हटाकर इसी बॉक्स में से होगा। अब देखिए आई क्या, आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट है यही यही बोला, तो सी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी का हमें सब्जेक्ट चाहिए तो सी का सब्जेक्ट सी यू होता है। अब देखिए कैन, आई के साथ कैन लगता है तो सी के साथ भी कैन लगता है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। डू है तो डू, दिस है तो दिस। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं, सेकंड, सेकंड में क्या दिया हुआ, दे है दे, से टू है, एस नहीं लगा हुआ, तो इसमें भी एस नहीं लगाएंगे। हिम है तो हिम, हिम है तो हिम, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। अब वी क्या है, वी प्लूरल है, ये भी सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, तो वी क्या, वी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बोलने वाला दे है, दे का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। आई वी के साथ सेल लगता है तो दे के साथ विल, और बीट है तो बीट, और यू यहाँ पर क्या, यू सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, यू ही होता है, ये वर्ब के बाद है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। अब यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट जो सुन रहा, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम का ऑब्जेक्ट हिम ही होगा। इस तरह थर्ड देख लेते हैं, यू है यू, से टू एस नहीं लगा हुआ, इसमें भी एस नहीं लगाएंगे। हर का हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, दिस इज माय, माय क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, मैं किस, मेरा किसे बना, मैं से, यानी माय किसे बना, आई से, आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हमें क्या चाहिए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो पोसेसिव एडजेक्टिव वाले बॉक्स से ही, बॉक्स से ही देंगे। तो माई किससे बना, माई आई से बना, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमको क्या चाहिए, यू का, यू का चाहिए पोसेसिव, तो यू का पोसेसिव क्या, योर, तो यहाँ पर लिख देंगे योर, बुक का बुक। फिर यहाँ पर अमर सेज टू राधा यू आर ब्यूटिफुल, क्या हो जाएगा, अमर सेज टू की जगह टेल्स, राधा की जगह राधा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बदले डैट, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे हैं, सब्जेक्ट को हटाकर, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन का ही, इसी बॉक्स में से, सिर्फ इसी बॉक्स में से, चारों बॉक्स में से, तो इस्तेमाल करेंगे, यू सेकंड पर्सन है तो इसका चाहिए, राधा क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो राधा का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, यू के साथ आर लगता है तो सी के साथ इस, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। ही यहाँ पर सेज, सिर्फ सेज है, किसे बड़ा नहीं है, तो सेज का सेज, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बोले डायरेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन, आई सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का सब्जेक्ट चाहिए तो ही का सब्जेक्ट ही होगा, आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज लगता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीडिंग माई बुक लिख लेंगे, फुल स्टॉप। यहाँ पर यू से है तो से टू की जगह टेल लगाते हैं, यहाँ पर सिर्फ से है तो से,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट ही क्या सब्जेक्ट है, ही क्या है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है नो चेंज, जैसे मैंने आपको बताया आई थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही जैसे जैसे लिखा पड़ेगा तो सब के सब लिख देंगे ही शुड स्पीक इन इंग्लिश। सेवन सेवन क्या हुआ सोहन सेज टू, एस लिखा हुआ सेज टू की जगह टेल्स मी का मी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा के बोले डैट आई है सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सोहन का सब्जेक्ट क्या होगा ही, और वी टू इवेंट बाकी जैसे जैसे लिख देंगे क्योंकि टेंस में क्या कोई परिवर्तन नहीं होता जब ये रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट टेंस में हो। दे से टू यू वी प्ले क्रिकेट डेली, तो दे का दे से टू की जगह टेल यू का यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का बोले डैट वी क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो दे का यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो दे का सब्जेक्ट दे। अब देखिए क्या है सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी वन लगता है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वी वन लगता है, तो वी के साथ वी वन तो दे के साथ भी क्या होगा वी वन, और क्रिकेट डेली ये तो चेंज नहीं करेगा क्रिकेट डेली, अगर यहाँ पर ही रहता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर प्लेस कर देते हैं प्लेस एस लगाते हैं क्योंकि ही के साथ ही सी इट और नेम के साथ भी फाइव लगता है। सेंटेंस कहते हैं वैसा सेंटेंस जिससे सिर्फ एक कथन का बोध होता एक स्टेटमेंट का बोध होता उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस दोनों प्रकार का हो सकता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक या फिर निगेटिव यानी नकारात्मक, जैसे राम स्कूल जा रहा राम गोज टू जा रहा है तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो गया अफर्मेटिव, और निगेटिव क्या हो गया राम स्कूल नहीं जा रहा तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो निगेटिव, लेकिन दोनों को दोनों क्या होंगे अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के दोनों एसर्टिव सेंटेंस होंगे। देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में चेंज कर जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे राम जाता है तो राम गोज, ठीक ना राम गोज, ये पहचानने का तरीका पहचानेंगे तभी तो इसको बदलेंगे, तो यहाँ पर आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वी वन लगता है और बाकी के साथ वी फाइव यानी कि ही सी इट और नेम या सिंगुलर नाउन के साथ वी फाइव लगता है। अगर सिंपल पास्ट टेंस रहे डायरेक्ट स्पीच में डीएस मतलब डायरेक्ट स्पीच तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर जाएगा, और पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नो चेंज। इसी तरह आगे है एमईआर रहेगा तो वाज वेयर्स, वाज वर है तो हैड बीन, इसी तरह आगे, और यहाँ पर क्या यहाँ पर देखिए कम रहेगा तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में गो हो जाएगा। जैसे देखें इसको बनाने का तरीका देखते हैं क्या है, सबसे क्या करेंगे ही है तो ही का ही सेड टू की जगह टोल्ड, अगर सिर्फ सेड रहेगा टू नहीं रहेगा तो सिर्फ सेड रहेगा तो सेड को सेड ही छोड़ देंगे, और सेड टू रहेगा तो टोल्ड लिख देंगे क्योंकि वी टू है तो वी टू का हटाकर वी टू, देम का देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट और यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू क्या है यहाँ पर भरू के पहले तो सब्जेक्ट है यानी देम का हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, देखें देम का हमें सब्जेक्ट चाहिए तो देम कहाँ यहाँ देम का सब्जेक्ट क्या है देम का सब्जेक्ट क्या है दे। अब देखे यहाँ पर आर है भर्ब है तो एम इज आर किस में चेंज करेगा यहाँ पर दिया हुआ आर चेंज करेगा वाज और वर में, तो दे के साथ क्या लगता है वर और लेजी है तो लेजी और फुल स्टॉप। इसी तरह है अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर
ये सारे वर्ड रहे, ये सारे वर्ड रहे तो ये इनडायरेक्ट में ये सब चेंज कर जाते हैं। देखिए हिंस का देन, नाउ का देन, थर्स का सो, टुडे का डैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। इसमें भी दोनों में से कोई एक लिखेंगे। अब यहाँ पर द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल से भी एक दिन पहले, यानी दो दिन पहले, तो टू डेज बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाले कल से एक दिन बाद, यानी दो दिन बाद, तो इन यानी दो दिन बाद, यानी दो दिन में, इन टू डेज टाइम। देखिए यहाँ पर क्या सेड है, सिर्फ सेड है, तो सेड को क्या करेंगे, सिर्फ सेड ही छोड़ देंगे। ठीक है, ही सेड है तो सेड ही छोड़ देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई क्या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही का ही। और एम है तो एम किस में चेंज करेगा, वाज वर्ड में, ही के साथ वाज लगता है। बिजी का बिजी, और टूडे है तो टूडे क्या हो जाएगा, डैट डे। ये कब चेंज करता है, अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में रहता या फ्यूचर टेंस में रहता तो टूडे का टूडे ही हो जाता, टूडे का टूडे ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग फॉर क्या पास्ट टेंस में है तो टुडे चेंज होके हो गया डैड डे, टुडे का डैड। सी है तो सी, सिर्फ सेड है तो सेड, सेड टू रहता है तब टू लिखते हैं, तो सेड का सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वाले डैड, आई क्या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी का सब्जेक्ट क्या होगा, सी का सब्जेक्ट सी सी ही होता। अब देखिए आई के साथ सेल लगता तो सी के साथ क्या लगेगा, क्या लगना चाहिए, विल, लेकिन विल नहीं लगाएंगे, क्या चाहिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो विल का क्या बदल के हो जाता, विल का क्या बदल के हो जाता, विल का हो जाता वुड। देखिए यहाँ पर विल का हो जाता वुड, तो विल का क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। तो डू का डू, ये सब विल वुड क्या है ना, विल वुड ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, जिसके बाद धीवन इस्तेमाल करते हैं। दिस का क्या हो जाएगा, डैट, वर्क का वर्क, टुमोरो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, तो कोई एक लिखते हैं द नेक्स्ट डे। दे है तो दे, सिर्फ सेट है तो सेट का सेट ही छोड़ देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो दे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दे ही होगा। वा एम ए से आर चेंज करता है वाज वर्ड में, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर्ड, इसको वियर नहीं पढ़ते, वर्ड। नाउ का क्या हो जाता है, देन, और डूइंग का जैसे जैसे छोड़ देंगे। यहाँ पर ही है तो ही, सिर्फ सेट है तो सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। दे क्या है, दे, दे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, तो दे का दे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी टू है, ईट एट ईटन, ईट का वी टू एट होता है, तो किस में चेंज करता है, देखिए सिंपल पास्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये चेंज हो जाएगा, चेंज होके सभी प्लस हैड और वी थ्री हो जाएगा, हैड और वी थ्री। दे तो सब्जेक्ट लिख दिए, और हैड उसके बाद वी थ्री, तो ईट का वी थ्री ईटन, फूड है तो फूड, यानी इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप याद कर लें। ही है तो ही, सिर्फ सेड है तो सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, एस ओ एन वाला रूल, थी थी ही का सब्जेक्ट ही होता है। वाज किस, वाज और वर्ड किस में चेंज करता है, वाज और वर्ड चेंज करता हैड बिन में, तो इसके यहाँ लिख देंगे हैड और बिन, अब्सेंट है तो अब्सेंट का अब्सेंट। देखिए सिक्स लिखा हुआ, ही सेड आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं इस काम समाप्त कर चुका था, तो ही का ही सेड का सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का ही। अब देखिए क्या है, सभी प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, नो चेंज, तो हैड का हैड, फिनिश्ड का फिनिश्ड, और द वर्क का द वर्क, फुल स्टॉप।
सेवन देखे, सेवन में लिखा हुआ दे सेड टू है, तो क्या करेंगे टोल्ड में बदल देंगे, मी का मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बोलते डैट। अब देखिए ही क्या है, मैंने आपको बताया था ही सी इट और नेम और दे, ये क्या थर्ड पर्सन, तो एस एन रूल क्या कहता है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही। अब देखिए कैन किस में चेंज करता है, कैन का कुड, हेल्प का हेल्प। अब देखिए यू क्या, यू सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ब के बाद है तो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए ऑब्जेक्ट को हटाकर ऑब्जेक्ट ही देंगे। अब यू क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी जो सुन रहा है, ठीक है, तो मी का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है। देखिए ही सेड टू की जगह टोल्ड, हर है तो हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का सब्जेक्ट ही होगा। यहाँ पर डिड नॉट लगा हुआ, तो डिड किस में लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में लगता है, ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव है, तो सिंपल पास्ट टेंस चेंज करता है पास्ट परफेक्ट में यानी हैड में, तो हैड यहाँ पर हैड ऑफ V3, हैड ऑफ V3 बना दिए, ये निगेटिव है तो निगेटिव, ये भी निगेटिव होगा। यू क्या, यू ऑब्जेक्ट है, भर के बाद है तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को हटाकर ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। यू क्या है सेकेंड पर्सन, एस ओ एन वाला रूल 1 2 3, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सुनने वाला कौन है हर, तो हर का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर ही होगा।